हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्हील्स एंड फोक्स। आज हम फिर से आ गए एक नए व्लॉग लेके। तो आई होप आज तक आपको सारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। और हम आज जा रहे हैं कॉफी पीने। तो मेरा आज बड़ा मन कर रहा था कॉफी पीने का, क्योंकि मेरे पिंपल सारे हट गए हैं तो मैं कॉफी पी सकता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं सोचा की आज चलते हैं कॉफी पीने। तो तुम्हारा अभी काम से आई है और मैं तो पूरा दिन घर पे वर्क फ्रॉम होम वाला काम ही कर रहा था। तमन्ना ने जगह चूज किया, मुझे जगह भी नहीं पता। तमन्ना कह रही है वही जगह जाएंगी। मैंने ना ऐसे कोई ब्लॉगर है और कोई विनीपेग की, तो उसकी रिकमेंडेशन से देखा है। आई होप अच्छी हो जगह, क्योंकि वहां पे सुना है कि बैठने की जगह बहुत अच्छी है, बट मोस्टली बिजी भी होता है। तो देखो हमें जगह मिलती है कि नहीं। पर आज वीकेंड भी है तो देखते हैं, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कॉफी शॉप्स तो बथेरी हैं। अभी बजे हैं 5, बट हम आई गेस 8 बजे तक व्लॉग करेंगे और 8, 8:30, 9 बजे तक व्लॉग करेंगे। उसमें बहुत चीजें निपटाने का सोचा है। तो अगर आपको इस टाइप के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, डू लेट अस नो, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये डेली लाइफ को क्या ही बताना। बट इफ यू लाइक दिस, डेफिनेटली लेट अस। हाँ बिल्कुल, नया कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। हाँ वही चीज है। तो चलो चलते हैं, बातें हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं एंड देन हम चलते हैं। बट मेरे को अभी तक पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो तमन्ना इज टेकिंग मी समवेयर, तो लेट्स सी। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your... आज चला रही है गाड़ी तमन्ना, क्योंकि तमन्ना को भी हमने सिखा दिया सब कैसे गाड़ी चलानी है। और अभी तक हमने यहाँ पे ना 4-5 कैफेज ट्राई किए हैं, जिसमें से कि अभी तक मेरे को सबसे अच्छा, तो मतलब आपको अभी तक सबसे अच्छा कैफे कौन सा लगा? वो मेक वाला, मेक कैफे, मेक कॉफी आई बिलीव, मेक स्टफ, हाँ ऐसा कुछ था, मेक करके कैफे है। अभी हम उधर गए, मतलब उधर भी गए थे तो वो अच्छा था कैफे अभी फिलहाल तो। और बाकी भी 3-4 ट्राई किए हैं अभी तक, बट ये अभी जो हम जा रहे हैं वो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। तो लेट्स सी कैसा रहता है। तो मन्ना ने सर्च किया, अच्छा ही होगा, मतलब रिव्यूज वगैरह अच्छे थे, है ना? हाँ, रिव्यूज बहुत अच्छे से थे। लोग बोल रहे थे कि कॉफी तो मस्ट ट्राई है और जगह भी बहुत प्यारी है, ऐसे बोल रहे थे कि विंटर्स के लिए काफी अच्छी जगह। तो ठीक है, मेरा आज बहुत देर से मन था। मैं वैसे कॉफी अवॉइड करता हूँ, डेयरी पूरी मैं डेयरी में बंद कर दी है मैंने। मैं डेयरी नहीं खाता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा फेस जो है वो बहुत ब्रेकआउट कर देता है इस चक्कर में। तो यही सीन है, अभी तो चलते हैं और आपको दिखाएंगे कैफे कैसा है। होपफुली बस जगह मिल जाए, और अगर बैठने की जगह मिल जाए। अगर नहीं भी मिली तो लोगों ने से कमेंट्स किए हुए थे कि वहाँ पे ना ट्रेन है एक, जहाँ पे आप कॉफी टू गो करके फिर वॉक कर सकते हो कॉफी लेके। तो आई होप वो मिल जाए, अगर ट्रेन मिल जाए, हमें मिल जाए कहाँ पे है। और विंटर वियर तो हम पहन के आए हैं कि अगर ट्रेन वाला भी हुआ तो उसके लिए भी रेडी है। तो सही है, मैं भी जैकेट ले आया था, तमन्ना भी जैकेट ले आया। तो अगर मतलब नहीं मिली तो ट्रेल वाली साइड, ट्रेल में एक देख लेंगे। ट्रेल होता है बेसिकली एक वॉकिंग के लिए एरिया बनाया था उन्होंने, आगे पीछे नेचर होती है। तो यही सीन है, रात के वक्त देखेंगे जो भी होगा। बजे अभी 5:30 ही है, बट रात पूरी हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा है बाहर। तो लेट्स सी एंड लेट्स गो। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hell. तो क्या लिया था मन्ना? हमने हमने मैंने लिया वाइट टिप मोका, और अखित ने लिया माउंटेन मोका, लिया मोका लाटे। और ये पिज़्ज़ा स्वेल ट्राई करना था मेरे को, पर वो नहीं था तो मैंने वेजी रोल ले लिया और साथ में बिस्कुट। दैट्स इट। हाँ, और मोस्टली लाइक मैं विश कर रही थी कि ये फायर प्लेस वाली जगह मिल जाए, और मिल गई, तो आई एम रियली हैप्पी। तूने क्या खा रहे हो बाप? कैसी है? चलो फिर। कैफे से आगे हुए हैं, बड़ा अच्छा कैफे था, मतलब पूरा दिल खुश कर दिया। इतना अच्छा सा इवनिंग टाइम स्पेंड होता है वहाँ पे। तो देखते हैं अभी अगली बारी फिर आएंगे दोबारा। अभी अगली बार मेरे को इनका सूप ट्राई करना है, विंटर स्पेशल ही होता है, सीजनल सूप्स देते हैं ये लोग,
तो आज मैंने सोचा था, पहले आज ही मन कर गया, पर हमने कॉफी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी थी, तो सोचा कि दोबारा आएंगे किसी दिन। और अब कहाँ जा रहे हैं हम, घर ही चलते हैं ना? अब घर ही चलते हैं। चलो फिर कर दो गाड़ी ऑन। तमन्ना कह रही है मैं आज दिखाना चाहती हूँ कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ। मेरी मम्मी ने कहा था स्पेशल कि मेरे को तो यकीन नहीं है तुम गाड़ी चला लेती हो ना, मतलब सारा कुछ हो गया, मम्मी को यकीन नहीं हो रहा कि मैं गाड़ी चला लूंगी, तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग में दिखा भी देती हूँ। चलो उनको भी बहुत अच्छा लगा, कैफे कॉफी अच्छी थी। बट अगर यार ये इन्होंने हमें टेकआउट कप्स में दी थी है ना? हाँ, मतलब वो कप्स में होता ना, लाइक अगर सिर्फ हमें कप्स में देते ना तो ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि हम डाइनिंग नहीं करने गए थे, बट स्टिल ठीक था, अच्छा एक्सपीरियंस था। मे बी कोविड कारण नहीं दे रहे होंगे वो वाले कप्स में, होनी तो चाहिए, कैफे बहुत अच्छा था, वो वाले कप्स में देनी तो चाहिए थी उनको, बट स्टिल चलो कप्स मैटर नहीं करते, कॉफी बहुत अच्छी थी और जो हमने स्नैक्स लिए थे वो भी बहुत अच्छे थे। अब आ गए थे हम घर। घर आने के बाद ना मैं जा रहा हूँ परसों टोरंटो, तो उसकी पैकिंग चालू है। आपने मेरा दूसरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो ट्रू इंडियन रक्षित, जहाँ पे मेरे 145K सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरा मेन चैनल था, ये हमने ब्लॉगिंग के लिए शुरू किया। तो अब चल रही है पैकिंग। पैकिंग के लिए मैंने ले लिए हैं कुछ कपड़े और साथ में थोड़ी डायरी वगैरह, ये सारा चीज़ें। और यहाँ पे मेरा 100K का आज तक मैंने अभी तक कभी अनबॉक्स नहीं किया। सिल्वर प्ले बटन 100K पे आया था, बट आज 145K हो चुके हैं, बट आज तक अनबॉक्स नहीं किया, तो उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज वे में हम अनबॉक्स करेंगे। ये रहा हमारा छोटा सा मंदिर, हमने दिवाली पे बनाया था, वो मैस पड़ी हुई है, वो मेरा टेबल है जो कि बहुत ज्यादा गंदा है इस टाइम, बट ये सारी चीजें वो हैं। और बाकी ये तो आपको पता ही, हमारा लिविंग रूम है, बाकी ये चल रहा है सिस्टम, तो करते हैं फिर डन है विद पैकिंग। और इसके बाद मैं करने वाली हूँ पेंटिंग, तो तमन्ना करने वाली है पेंटिंग, तो जब तमन्ना पेंटिंग करेगी तो उसके बाद आपको बताएगी उसने क्या बनाया, क्योंकि उसने अपनी पेंटिंग भेजनी है टोरंटो अपने फ्रेंड के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं ले जाऊंगा, बट बना दो उसको, तो अब वो बनाएगी, उसको शौक भी है। हालांकि उसकी सेकंड पेंटिंग है, उसने फर्स्ट पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई थी, वो आपको दिखाती हूँ। चलो जाओ बाकी लेके आओ, ये देखो कैसे भाग रही है एक्साइटमेंट से। वो तमन्ना का रूम है, बारी बड़ी है। चलो ये वाला बस मैस का वो मत देना, क्योंकि चीजें बहुत, ये बस यही चीजें पड़ी हैं, किताबें वगैरह ये सब। चलो लाइट में दिखाओ ना, ये तमन्ना की पेंटिंग थी, और मेरी वाली दिखाओ, ये मेरी, ये ग्रेडियंट है, ये आपको अच्छे पेंटर की वैल्यू बनाया हुआ है, और इसे मैं कंप्लीट करूंगी आज। हाँ तो ये मेरी है, ये तमन्ना की है। अब हम हो गया पेंटिंग रेडी, तो बाकी सब वीकेंड वाले काम खत्म कर लिए मैंने, जैसे कि लॉन्ड्री भी डाल दी हुई है और हेयर ऑयलिंग भी कर ली है। आई नो थोड़ी सी चंपू लग रही हूँ हेयर ऑयलिंग करने के लिए, बट थोड़ी सी ये ज़रूरी होती है वीकेंड पे कोशिश करते हैं कि अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम दे सेल्फ ग्रूमिंग के लिए या फिर कुछ भी। आज पूरा दिन बहुत बिजी था, वीकेंड पे काम भी आ गया था इस बार, तो फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम अपने आप को देंगे, पेंटिंग करेंगे, क्योंकि पेंटिंग जो है ना मेरे को बचपन से बहुत पसंद है, मतलब हमारे स्कूल में सिखाते थे तो मेरा इंटरेस्ट बन गया, तो वैसे ही करती जाते थे, बट बड़े होके अभी टाइम ही नहीं लगा, स्पेशली कनाडा आने के बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बिल्कुल ही छूट गया था। तो यहाँ पे अब मैंने सोचा कि इवनिंग्स में फ्री होती हूँ, तो सोचा कि चलो पेंटिंग दोबारा से शुरू कर दूँ। तो लेट्स सी क्या बनाते हैं आज। अब ये सारे मेरे पेंटिंग सप्लाइज जो कि मैं डॉलरामा से ही लेके आई थी, डॉलरामा में सस्ते मिल जाते हैं, तो स्टार्टअप के लिए तो डॉलरामा के प्रोडक्ट्स ठीक है। लाइक मैंने एक पेंटिंग बनाई है ऑलरेडी, जैसे कि आपको दिखाया, तो मस्त बनती है, कलर्स अच्छे हैं, तो अभी देखती हूँ, शुरू करती हूँ बनाना। और पता है क्या हुआ, मैं अभी मम्मा से बात कर रही थी, तो मम्मा को मैंने बताया कि मम्मा मेरे फिर से टेंशन ले गई है ना कि तुम ड्राइविंग करती हो, तो मेरे को मैसेज कर दिया करो कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ, ये वो है ना, होते ही घर वालों को टेंशन हो जाती है। पर फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी आज मैंने व्लॉग में यही बोला कि मेरी मम्मी बड़ी टेंशन लेती है कि मेरे को आती भी है कि नहीं, स्पेशली आपके लिए व्लॉग बनाया, देखना। तो फाइनली पेंटिंग डन हो गई है, इस पे जस्ट मैंने स्प्रे किया और मून बना दिया, तो ये ग्रेडियंट तो अक्षित ने बनाया हुआ था, तो 5 मिनट में पेंटिंग डन। दूसरी वाली की तैयारी है राइट? तीसरी I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't get. तो तुमने क्या बनाया? पेंटिंग मेरी हो गई कंप्लीट,
कमेंट करके बताना ठीक है कैसी लगी आप लोगों को। मेरे को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लग रही है मेरी पिछली पेंटिंग से, होपफुली आगे जाके और इम्प्रूव करूंगी। बट गंद देखो मैंने कितना डाल दिया है, अभी 12 बज गए रात के और मैंने सारा क्लीन भी करना है, अभी हेड बाथ भी करना है, मतलब जस्ट इमेजिन कल 7 बजे काम भी है, तो डेडिकेशन है। डेडिकेशन है। चलो अच्छी लग रही है तो ना, आई एम सीरियसली अमेज्ड, बहुत बढ़िया लग रही है। चलो आज का हमारा दिन होता है यहीं पे खत्म, बड़ी ज्यादा चीजें हमने दिखा दी, बट मैं यही बोलूंगा ऐसे व्लॉग्स अगर अच्छे लगते हैं तो डेली व्लॉगिंग अच्छी लगती है तो बताना, और हम ऐसे व्लॉग्स और लेके आएंगे आगे फ्यूचर में। और यही था, और अभी मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सामान ले लिया अपना, रेजर वगैरह का, गोप्रो वगैरह, तमन्ना को भी अभी दिखाया, बहुत अच्छा सारा अपने चैनल के लिए अपग्रेड करने के लिए गोप्रो भी आ गया अब हमारे पास, तो क्वालिटी अच्छी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप अच्छा लगा व्लॉग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, तमन्ना को खुशी मिलती है उससे, बट वही चीज़ है। तो चलो यही था आज की वीडियो के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, हैव अ गुड वन एंड स्टे सेफ एंड गुड नाइट, बाय बाय।